जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक आज कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत गुनौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवरीगढ़ी पहुंची, जहां पर 5 युवती व 1.5 दर्जन युवकों ने जिलाध्यक्ष श्रीमती पाठक के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर विधायक शिवदयाल बागरी, वरिष्ठ नेता पवन जैन, किसान कांग्रेस अध्यक्ष शशिकांत दीक्षित, तुलसीदास रुमलिया भी मौजूद रहे। जिन लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है उनमें बाल कांग्रेस के लिए पूनम चौबे, दशा चौबे शामिल, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्ति चौबे, मोंटी चौबे, शुभम तिवारी, सौरभ चौबे, शुभम चौबे, सत्येंद्र चौबे, अरविंद नामदेव, कमलेश नामदेव आदि शामिल हैं। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए श्रीमती पाठक ने कहा कि आपके इस गांव में मेरा पुत्र पटवारी रहा है, इसलिए मेरा दिल से लगाव है। जिस तरीके से मेरे दिवंगत पुत्र अनुराग ने आप लोगों की सेवा की है, उसी तरह से मैं भी आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। आपके बारे में हमारा पुत्र सदैव बतलाता रहता था। श्रीमती पाठक ने कहा कि जो भी समस्याएं होंगी मैं उसको सदैव पूरा करने के लिए प्रयासरत रहूंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के राज में हर वर्ग परेशान है। बिजली की कटौती से किसानों के बीच में त्राही त्राही मची हुई है। महंगाई की स्थिति ये है कि गरीब व्यक्ति के सामने पेट भरने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के समय कुछ कहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं रह जाती है। श्रीमती पाठक ने आने वाले समय में भाजपा को जवाब देने का आह्वान किया। टाइम8 मध्य प्रदेश के लिए देवेंद्र नगर पन्ना से रविकांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक आज कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत गुनौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवरीगढ़ी पहुंची, जहां पर 5 युवती व 1.5 दर्जन युवकों ने जिलाध्यक्ष श्रीमती पाठक के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर विधायक शिवदयाल बागरी, वरिष्ठ नेता पवन जैन, किसान कांग्रेस अध्यक्ष शशिकांत दीक्षित, तुलसीदास रुमलिया भी मौजूद रहे। जिन लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है उनमें बाल कांग्रेस के लिए पूनम चौबे, दशा चौबे शामिल, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्ति चौबे, मोंटी चौबे, शुभम तिवारी, सौरभ चौबे, शुभम चौबे, सत्येंद्र चौबे, अरविंद नामदेव, कमलेश नामदेव आदि शामिल हैं। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए श्रीमती पाठक ने कहा कि आपके इस गांव में मेरा पुत्र पटवारी रहा है, इसलिए मेरा दिल से लगाव है। जिस तरीके से मेरे दिवंगत पुत्र अनुराग ने आप लोगों की सेवा की है, उसी तरह से मैं भी आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। आपके बारे में हमारा पुत्र सदैव बतलाता रहता था। श्रीमती पाठक ने कहा कि जो भी समस्याएं होंगी मैं उसको सदैव पूरा करने के लिए प्रयासरत रहूंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के राज में हर वर्ग परेशान है। बिजली की कटौती से किसानों के बीच में त्राही त्राही मची हुई है। महंगाई की स्थिति ये है कि गरीब व्यक्ति के सामने पेट भरने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के समय कुछ कहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं रह जाती है। श्रीमती पाठक ने आने वाले समय में भाजपा को जवाब देने का आह्वान किया। टाइम8 मध्य प्रदेश के लिए देवेंद्र नगर पन्ना से रविकांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट।